बिना भरोसे के प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकता, वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। पापा जी बोलते रहे शराब छोड़ दे, पर मैं नहीं छोड़ पाया। उस दिन तुमने गुस्से में बस एक बार कहा तो मैंने उसी दिन उसी पल से शराब छोड़ दी। प्यार एक तरह का स्टिकर है जो चिपक तो सकता है, लेकिन अगर तुम उसे निकालने की कोशिश करो तो वो उस जगह से निकल तो जाता है पर फिर कहीं नहीं चिपकता, निशान छोड़ जाता है हमेशा हमेशा के लिए। उस दिन तुमने सर्विस सेंटर में सबके सामने मेरा कॉलर पकड़कर मुझसे इस बारे में पूछा होता तो इतना बुरा नहीं लगता जितना इस बात का लग रहा है कि तुमने बिना मुझसे पूछे एक तरफा फैसला ले लिया बिना सच जाने। ये जॉब बस खर्चा निकालने के लिए कर रहा हूँ, पर मेरा सपना वो ऐप है जो लोगों की जान बचाएगा और ये मैं साबित कर सकता हूँ। पर बात सिर्फ कमाई की नहीं है, क्योंकि बाद में तुम मेरी बाइक को मुद्दा बनाओगी, बोलोगी शादी के बाद हम बच्चों के साथ इस पे कैसे बैठेंगे। फिर मैं पड़ोस से दो बच्चे लाके अपने और तुम्हारी गोद में बिठाऊंगा और आराम से पूरा शहर घुमाऊंगा। मैं खुद को हर बार साबित कर सकता हूँ पर करूंगा नहीं, क्योंकि मैं थक गया हूँ। काम काज के सिलसिले से इम्तिहान तो देने ही पड़ते हैं। सोचा था शायद प्यार में तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा, पर यहाँ भी वही हाल है, हर बात में सौदेबाजी। सच्चा प्यार वो होता है जब हम एक दूसरे पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर तुम लड़कियों को प्यार साबित करने के लिए ताजमहल भी बना दे और तुम्हारा मूड मुंह फुलाने का हो तो कहोगी कि तुमने क्या किया, ये तो मजदूरों ने बनाया, बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। जिस तरह लड़कियों को डर होता है कि वो जिंदगी भर घर गृहस्थी कैसे चलाएंगी, उसी तरह लड़कों को भी डर रहता है कि वो अपने प्यार का यकीन कैसे दिलाते रहेंगे। मजलूम बनना आसान है पर साथ निभाने की हिम्मत रखना मुश्किल है। मैं जा रही हूँ। मेरे दिल से तो कब से जा चुकी हो। मैं यहाँ दीदी के घर रहने आ गई हूँ। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। नई जगह, नई जिंदगी, तुम्हारे लिए यही ठीक है। फिर से उसे कॉल या मैसेज करके जिंदगी को उलझाने की जरूरत नहीं। चलो बाय। बाय। सुनो, अगर डेडिकेशन नहीं है तो सपने क्यों देखते हो? मैंने फालतू में ही सीईओ से तुम्हारी सिफारिश की। तुम तो बहुत ही लापरवाह हो। सोशल मीडिया में टाइम पास के अलावा कभी मेल्स चेक करते हो? प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया था, जब काम हो गया तो पलट गए। सब मेल चेक किए थे, लैपटॉप और फाइल के साथ वहाँ पर गया भी था, फिर हुआ क्या? हमेशा की तरह मुझे वहाँ से एक बड़े से नो के साथ बाहर फेंक दिया गया। तो एक काम करो कि रहने दो छोड़ियो, अपने सीईओ से मेरी सिफारिश करने के लिए थैंक यू, आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है, उसके लिए सॉरी। दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखा। आपकी मर्जी जी। जब देखो सर झुकाए चलती थी, सोचा एक बार, बस एक बार सर उठा के मुझे देख ले, मजा आ जाएगा। फिर उसने देखा, फिर सोचा एक प्यारी सी मुस्कान दे दे, तो वो भी दे दी। फिर प्रपोज करना चाह, उसको आई लव यू कहा तो उसने भी आई लव यू टू बोला। लो जी, फिर क्या था, सोचा जिंदगी फर्राटे से चलेगी, पर फिर ब्रेक लग गया। ये गैरों पे करम, अपनों पे सितम, सब ऐसे ही करती है। पहली बार प्यार हुआ था मैं तो उसी में फेल हो गया क्लासमेट। ये जो प्यार मोहब्बत है ना, बालों की तरह ही होता है। अगर ये टिकना चाहे ना तो घटिया साबुन के बाद भी स्ट्रांग रहता है। एक बार इसने डिसाइड कर लिया कि चले जाना है तो लाख रुपए का शैम्पू भी लगाओ, नो यूज। सो बाल और प्यार हमारे हाथ में नहीं है यार। बोलती थी दाढ़ी बहुत सूट करती है, कभी मत निकालना, इसलिए ताकि जब तक साथ में रहो कोई और ना देखे और ब्रेकअप हो तो देवदास के नाम से हम बदनाम हो जाएं। कमला का फोन है। हेलो कमला, मैं तुम्हारा बगुला। हेलो 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 कमला, कमला हमला क्यों कर रही है? ओए अजय भाई, व्हाट हैपेंड? सुबह से 20 बार कॉल कर चुका हूँ, फोन नहीं उठाया, अब फोन करके मुझे कुछ बोलने नहीं दिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आजा आजा मेरे पास बैठ जा, ये आज का गर्मा गर्म मुद्दा है। देखो पता है लड़के और लड़की के प्यार में क्या फर्क है? वो काम खत्म करके फ्री होने के बाद हमसे प्यार करती है, और हम लड़के काम धंधे पे लात मार के सिर्फ प्यार करने के चक्कर में रहते हैं। मेरी कमला अलग है मिस्टर विजय, बिल्कुल अलग है। खोते दो। मैं समझाता हूँ,
अच्छा सोच कि तू तू है और मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। मेरी कमला पीती नहीं है। उसने तुझे बताया नहीं होगा। चल अब तेरी बेबी को फोन कर और पूछ तना ताया। ओके अच्छा एक्टिंग। वो कमला का फोन बज रहा है। हेलो कमला। बोलो ना। बेबी ने खाना खाया? नहीं तो। नहीं खाया? क्यों? खाने का मन नहीं कर रहा है। खाने का मन क्यों नहीं कर रहा है बेबी? पेट में गुड़गुड़ हो रही है। कल तुमने गुड़ खाया था क्या? तेरा भेजा खाया था। फालतू बात पूछेगा तो मैं काट दूंगी। सुनो अगर पेट ज्यादा आवाज कर रही है तो हेडफोन पहन लेना। अब पेट के साथ दिमाग में भी दर्द शुरू हो गया। कितना पका क्या बोल रही है? बेबी तुम चिंता मत करो, मैं घर आके तुम्हारा सर पेट गला सब दबा दूंगा। अब तू फोन रख प्लीज। और अब सीन उल्टा करते हैं मैन। तेरी बेबी तुझसे पूछेगी ताना ताया कि नहीं छोना। फोन बज रहा, उठा। ए, 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 असली वाला नहीं। ओ यार भावना में बह गया। हेलो खाना खाया? हाँ खाया ना बेबी। सच में खाया क्या? नहीं खाया। तो फिर तूने उसको झूठ काहे को बोला मैन? अगर सच बोलता तो उसे टेंशन हो जाती ना। देखा इसका मतलब हमें उनका प्यार समझ में आता है और तो और उनका दर्द भी समझ में आता है, पर उन्हें ना तो हमारा दर्द दिखाई देता है और ना ही हमारा प्यार दिखाई देता है। ठोको ताने, ठोको ठोको। क्लासमेट रोने का मन कर रहा है। अपना हालत तू देख। छे गंदी बात। लड़की के लिए रोएगा? उसके लिए क्या रोना जिसने मेरा दिल ही तोड़ दिया। लॉजिक मस्त है। अपनी मजबूरी पर मैं जवान हूँ और पापा जी अभी तक सोए नहीं। फटाफट हाथ धोके खाना खाने आ जाओ। बस आराम से खाना खाओ, मैं कुछ गर्मा गर्म बना कर लाता हूं। अभी टाइम खराब चल रहा है, हमेशा थोड़ी चलेगा। भरोसा नहीं था तो मैंने बोल दिया जा यहां से। एक साल पहले ही मिले थे और इस छोटे से अरसे में हमने न जाने कितनी बार फोन पे, मैसेज पे, पेपर पे, जब भी कभी मौका मिला आई लव यू जरूर बोला। माँ के मरने के बाद आपने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। हर हाल में मेरा साथ दिया, फिर चाहे मैं नाकाम होकर आऊँ या फिर दारू पीकर आऊँ, कभी डांटा नहीं बल्कि समेट कर खाना खिलाया। उस हिसाब से लड़की को नहीं बल्कि हर वक्त आपको कहना चाहिए आई लव यू। I love you, पापा जी। I love you forever। आप पे 100 लड़कियां कुर्बान। कुछ और खाने के लिए लाऊं बेटा? नहीं जी बस। सॉरी रोना आ गया। आप बचपन से कहते थे ना अच्छे बच्चे रोते नहीं, पर क्या करूं ना प्यार में कामयाबी मिली ना काम में, बस नाकारा बन के रह गया हूं मैं। अगर आप ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं पापा जी। कुछ नहीं हूं। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, मेरा बेटा ऐसी जगह नौकरी करता है जहां उसे हर महीने लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, लेकिन तुम्हारे बेटे पर कॉलोनी वाले थू थू करते हैं। प्यार में फेल हो गया, रोज दारू पी के घर आता है, उसे समझ है कि नहीं? अब मेरे बेटे को ही देख लो, बड़े बड़े लोगों से सलाम ठोकते हैं। तुम अगर कहो तो मैं अपने बेटे से बात करता हूँ। प्यून की जॉब तो लगा ही देगा, कुछ कमाएगा तो सही। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है वो? टिंकू कार्टून चैनल देख रहा था और लाइट चली गई। मैं आपसे कब से कह रही हूँ इन्वर्टर ले आइए, पर आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं। टिंकू ने पूरा घर सर पे उठा लिया है, अब आप ही जाके मनाइए उसे। घर पे इलेक्ट्रिक इंजीनियर के होते हुए परेशान क्यों होती हो विश्वा? नहीं नहीं, जब बिजली का कोई काम करना हो तो उसके लिए चाहिए रबर चप्पल्स। चलो ले आओ रबर चप्पल्स। डैड क्या आप जानते हैं रबर चप्पल्स इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे रोना बंद कर, बोला ना लाइट आ जाएगी। बेटा लाइट आ रही है। फेस ऑन। फेस वन तो ऑन कर दिया, वोल्टेज ओके। चुप हो जा, क्यों कान खा रहा है? रो रो के नाक में दम कर दिया है, आप ही समझाइए ना। आ जा पुत्र। समझ में नहीं आ रहा। जी पापा जी। मैंने एसी ऑन किया था तो ट्रिप हो गया।
तो यहाँ क्या कर रहे हो? मेन बोर्ड के पास चलो। अरे अरे देखो टीवी आ गया, देखो। वोल्टेज की प्रॉब्लम हो तो मेन बोर्ड ट्रिप हो जाता है, गाड़ी खराब हो तो बोनेट खोलना चाहिए, उसकी डिक्की नहीं। ये तो बेसिक है यार। विश्वा? आया माँ। बेटा एक मिनट, ये अंकल तुम्हारी जॉब को लेकर बहुत परेशान है कि तुम इतने बड़े हो गए फिर भी बेकार हो, तो ये अपने बेटे से तुम्हारी जॉब के लिए बात कर ले क्या? मतलब ये कि प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच कर ही प्रॉब्लम सॉल्व होता है, बेसिक प्रिंसिपल है ये। इतनी समझदारी वाला अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता क्या? बेटा रोज मूड बनाने कहां जाते हो? पापा जी बता दो बेटा, अंकल की जानकारी के लिए। अमेरिका बार एंड रेस्टोरेंट है ना, जहां से उस लड़के ने फोन किया था। भाई साहब मेरा बेटा रोज वहां पीने जाता है। अच्छा इनकेस वो बार किसी दिन बंद हो तो कहां जाओगे? आगे जाके शंकरी बार है। इतनी छोटी सी बात के लिए भी तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर एक बार बंद हो तो दूसरा पता है तुम्हें। वैसे ही एक लड़की के जाने से जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। इन्हें लगता है तुम ये नहीं जानते। तुम अपने प्यार में फेल हो गए हो, मान लिया, लेकिन अब मायूस होकर बैठ जाना, ये सोचना कि उसने क्यों छोड़ा या उसे फिर से कैसे मनाऊं, इन बातों पर समय बर्बाद किए बिना सबको ओवरटेक करके जिंदगी फिर से शुरू करोगे, ये इन्हें कैसे समझाऊं? करियर से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं, और जब उसे करेक्ट इम्पोर्टेंस दी जाएगी तो वो हमें इम्पोर्टेंस देगी और सफलता खुद चल कर आएगी। इन्हें लगता है तुम ये नहीं जानते। ये फोन पे ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। सफलता वक्त मांगती है बेटा, इतनी बेसिक बात भी तू नहीं जानता। लगता है अब तू जाग गया, जा फ्रेश होकर आ।